मी सोनू। सो यस, वेलकम टू द सोनू वर्ल्ड। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लो गार्डन का नवरात्रि कलेक्शन। मैं वहाँ गई थी और मैंने ब्लॉग बनाया था, लेकिन उसका इंट्रो देना मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं अभी आपको इंट्रो दे रही हूँ कि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और आगे अब आप तो वीडियो में ही देख लीजिए। सो फर्दर आई डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे स्टार्ट होते ही बहुत अच्छी चनिया चोली जो आपको दिख रही है वो भी सिर्फ 1500 मीन्स के 1500 रुपये में थी। पूरा सेट ये मिल रहा था वहाँ, जो कि बहुत सारे कलर्स में था, बहुत सारे वहाँ कलर्स अवेलेबल थे। आप देख रहे हो बहुत चमकीले और अट्रैक्टिव कलर्स थे। और फिर ये चनिया भी वहाँ मिल रहा था, आपको अगर सिंपल चनिया लेना है सिंगल एक ही, तो उसका कुछ 600 से स्टार्टिंग था। उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ थी, बहुत सारे कलर्स थे, बहुत सारी डिज़ाइंस थी। आप देख सकते हो यहाँ एक एक कलर्स अवेलेबल थे और एक एक डिज़ाइन, बहुत सारी प्रिंट्स, ये भी आप देख सकते हो, ये पटोला टाइप कुछ प्रिंट्स थी वहाँ पर। और उसके अलावा छोटी बच्चियों के लिए भी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे चनिया चोली मिल रहे थे। और वहाँ आगे जाते जाते अगर आप देखते हो तो चनिया चोली का पूरा सेट आपको देखने को मिलेगा। कई जगह पे एक ही जो सेट थे वही मिल रहे थे, सब जगह वही थे। और उसके अलावा ये ब्लाउजेस सिर्फ और सिर्फ 200 में मिल रहे थे। और फिर ये छोटे छोटे बच्चों के लिए, और फिर ये जैकेट भी मिल रही थी, बहुत टाइप जैकेट। और वहाँ पे मेंस के लिए भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे। मेंस कलेक्शन में ये आप देख सकते हो कुर्ता ऊपर जैकेट बहुत सारी थी। और उसके अलावा ये वाला मुझे सेट बहुत अच्छा लगा, जो धोती और ऊपर क्रॉप टॉप था, ये थोड़ा यूनिक था। और यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी कोटीज जैकेट ऐसे अवेलेबल थे, बहुत जैकेट जो आप नवरात्रि में बहुत अलग अलग स्टाइल में वियर कर सकते हो। और साथ में पहनने के लिए नवरात्रि की एक्सेसरीज़ तो बहुत ज़्यादा ही थी। आप देख सकते हो कैप और हाथ में पैरों में पहनने के लिए बेल्ट बहुत सारे थे। और फिर से ये छोटी बच्ची की चनिया चोली, ये तो बहुत औसम लग रही थी। और वहाँ पे ऑप्सोडेस की ज्वेलरी तो ऑफ कोर्स अच्छी मिलती है, नवरात्रि की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा कलेक्शन भी आया था। और फिर ये जो हैवी में चनिया चोली थी ये थोड़ी महंगी थी, बट अफोर्डेबल ही थी, 3 या 4 हज़ार तक मिल रही थी। और सिंगल दुपट्टा भी वहाँ अवेलेबल थे, जो कलर आपको चाहिए सब अलग अलग प्रिंट में दुपट्टा भी मिल रहे थे सिंगल में। और ये वाली चनिया चोली तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा घेर थी, उसकी डिज़ाइन भी थोड़ी यूनिक थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और उसकी प्राइस वैसे 2500 से 3000 तक थी। We'll be right back.
और ऐसे कुछ डिजाइनर टाइप ब्लाउज भी वहाँ थे जो कि 500 से 800 की रेंज में थे। फिर ये एक भैया मुझे वहाँ बैठे मिले जो कि सिर्फ 200 में रेडीमेड ब्लाउज दे रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थी अच्छी अच्छी उनकी। और फिर आपको नवरात्र में पहनने के लिए जूती चप्पल भी वहाँ मिल ही जाएंगे ऑफ़ कोर्स। तो अभी वाइट कलर वैसे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वहाँ वाइट लहंगे बहुत ज़्यादा थे, वाइट चनिया चोली बहुत बहुत अलग कलर्स में थे जिनमें वाइट कलर था और उसके साथ कॉम्बिनेशन में सब अलग अलग कलर्स थे। और फिर ये बेल्ट्स जो नवरात्रि में हम पहन सकते हैं, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीडेंस की ज्वेलरी और ऐसे बेल्ट मिल रहे थे जो कि 300 to 500 तक मुझे दिखे थे। और ये ऑक्सीडेंस के इयररिंग्स झुमके जो आप देख रहे हो, पूरी दुकान भरी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा ही झुमके थे, बहुत अच्छे, और नेक पीस आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे वहाँ। और फिर रास्ते में मुझे ये एक वाला मिल गया भैया जो सिर्फ 150 में ये ऑक्सीडाइज के इयररिंग्स दे रहे थे। आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे और बहुत बड़े इयररिंग्स है, लेकिन बहुत अच्छे और प्रीटी थे। ये भी बीट्स वाले इयररिंग्स भी 150 थे और उसके ये नीचे वाले थे वो 100 के थे।
तो ये ऑक्सोडाइज की ज्वेलरी सब लास्ट में बहुत अच्छी शॉप्स थी, मैंने कवर करने की पूरी ट्राई की है। और आप गेस करना कि मैंने कौन सी वाली एक्सेसरीज या चनिया चोली खरीदी होगी, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।